Assalamualaikum. I am Ms. Bhushan and I am the teacher of Metropolitan Foundation School and the class is Foundation Year 1 and the subject is English. How are you all my dear students? I hope you all are fine. Ghar mein rahiye aur apna khayal rakhiye. Okay, this is your English copy. Its color is pink. Apni copies ka aur apni books ka bahut khayal rakhiye jis tarah aap apna khayal rakhte hain. Previous video mein maine aapko revision सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रिवीजन दिया था एड टू तक का मैंने आपको न्यू साउंड कराया था. ओके नाउ लेट्स कम टू द कॉपी वर्क. हम कुछ कॉपीज की एक्टिविटी करेंगे आज. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन इट. आप सबसे पहले इसको ओपन करेंगे. नाउ वेन वी विल स्टार्ट सम न्यू वर्क. जब हम कोई नया वर्क स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी विल राइट अ डेट ऑन दोज पेजेस. हम उन पेजेस पे डेट राइट करते हैं. राइट डेट हियर, जिस डेट पे आपको वर्क मिले यू हैव टू राइट डेट हियर. मंथ इज 8 एंड 2020, क्योंकि अब मैथ्स में आपका लेवल इतना हो गया है, इतनी आपकी काउंटिंग हो गई है कि यू हैव टू राइट योर डेट इन योर ओन. आप खुद से लिख सकते हैं योर ओन सेल्फ, आप खुद से अपनी डेट जो है वो पुट कर सकते हैं. ओके नाउ लेट्स रीड द लाइन, फिल इन द ब्लैंक्स. Do you know, क्या ये एक्टिविटी आपने कभी की है? मैंने इससे पहले आपको प्रीवियस मंथ में मैंने आपको शायद ये एक्टिविटी करवाई थी, फिल इन द ब्लैंक, जो कि ऐसे लेके सिर्फ फ तक थी या ड तक थी. ओके तो आज जो मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स करवाने वाली हूँ वो ऐसे लेके ए टू ए तक है. ओके ओके ए टू तक है. Now I will tell you about some things. Fill in the blanks. What is fill in the blanks? Do you know fill in the blanks क्या होती हैं? Fill in the blanks कहते हैं missing alphabet को, missing sound को लिखना. यानी जैसे ए है और ए के बाद do you know what come after ए, कि ए के बाद क्या आता है, ए के बाद क्या आता है, अब वो है missing. तो that's a fill in the blanks कि वो आपने फिर वो मिसिंग साउंड आपने यहाँ राइट करना है. आप इसी तरह ख लिखा हुआ है तो ख के बाद भी उन्होंने एक डैश दिया हुआ है, उसमें आपने जो यहाँ पे साउंड आएगा व्हाट कम आफ्टर ख जो भी आएगा वो यहाँ पे मिसिंग है, अब वो आपने इसको राइट करना है. ये जो मिसिंग साउंड्स हैं, जो ब्लैंक्स हैं, ये ब्लैंक्स कहते हैं ये जो खाली खाली जगह होती है उनको क्या कहते हैं, ब्लैंक्स एंड फिल. और आपने इनको क्या करना है, आपने इनको फिल करना है. देन हाउ यू विल फिल, आप कैसे फिल करोगे मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न, ऐसे लेके जहाँ तक आपको फिल इन द ब्लैंक सीख गई है आप पहले इसको प्रॉपरली इसको लर्न करें, देन आपको खुद ब खुद जो है वो याद आता रहेगा कि ए के बाद क्या आता है, व्हाट कम आफ्टर ए, देन व्हाट कम आफ्टर ख, देन व्हाट कम आफ्टर ए. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट द वर्क. ए के बाद क्या आता है, डू यू नो, यू रिमेंबर, कि आपको याद है ए ब, एंड डू यू नो बाद जो है वो कौन सी लाइन से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन. ओके इट्स अ ब. ओके मैंने फर्स्ट ब्लैंक जो है वो फिल कर दी है ए ब ख, एंड डू यू नो व्हाट कम आफ्टर ख, ख के बाद जो है वो क्या आता है, ये कॉपी जो है वो थोड़ा सा टीज कर रही है, ड आता है. ओके ड इज कमिंग आफ्टर ख, ए ब ख ड, एंड ड के बाद जो साउंड है वो ए है वो जो कि लिखा हुआ है. देन व्हाट कम आफ्टर ए, ए के बाद क्या आता है, थिंकिंग, सोचें, सोचें क्या आता है, फ आता है. तो हम क्या लिखेंगे इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे, हम फ लिखेंगे. देन रीड फ्रॉम द फर्स्ट, फिर हम शुरू से दोबारा से रीड करेंगे ताकि अगर हम कुछ भूल जाएं तो वो हमें याद आ जाए. ए ब ख ड ए फ ग, ग के बाद क्या आता है, ग के बाद आफ्टर ग कम्स हा, हा. ओके हा के बाद यहाँ लिखा हुआ है ई, देन व्हाट कम आफ्टर ई, ई के बाद क्या आता है, ई के बाद ज आता है. ओके एंड ज जो है वो आपकी सेकंड लाइन से
जो है वो होता है यहाँ पे डैश जो है वो थर्ड लाइन पे, तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, ये जस्ट आपको सिर्फ बताने के लिए कि आपने यहाँ पे कोई साउंड राइट करना है। अगर आप इसको नीचे से ले जाएंगे तो इट्स ओके, आपका वर्ड जो है वो गलत नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा। देन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ए, ए ब ख ड ड ए ग ह इ ज क, क के बाद क्या आता है, व्हाट कम आफ्टर क, क के बाद आता है ई, जिसमें आपकी जो टंग है वो थोड़ी सी अपर की तरफ जो है वो अपर जॉ की तरफ लगेगी, ई, ओके। देन व्हाट कम आफ्टर ई, ई के बाद ई के बाद हमारा इनवेट कर रहा है और पूछ रहा है टेल मी व्हाट कम आफ्टर एम, ई के बाद क्या आएगा, आफ्टर एम कम्स इज वाओ, ये तो बहुत इजी है, ये तो आराम से सारे बच्चे कर लेंगे। देन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, अगेन आई रिपीट फ्रॉम द ए ब ख ड ए फ ग ह इ ज क ल म एन ओ, ओ के बाद कौन सा साउंड लिखेंगे। देन आफ्टर अ इन कम्स ओ एंड आफ्टर ओ कम्स प, तो हम क्या राइट करेंगे, प, एंड प जो है वो आपका ग्रास लेटर है, ग्रास कहते हैं घास को, यानी जो नीचे की नीचे वाली लाइन से टच करते हैं उन्हें हम ग्रास साउंड्स कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। प क्वे एंड क्वे के बाद व्हाट कम आफ्टर क्वे, इट्स इर, एंड डू यू नो द लास्ट साउंड जो हमने रीड किया है वो है, तो ये हमारा कंप्लीट हो, इट्स हैज बीन कंप्लीट। नाउ अगेन आई स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो वर्क करने में, यू हैव टू बी डूइंग योर वर्क बी इजीली। ए ब ख ड ए फ ग ह इ ज क ल म एन ओ प क्व इ, ओके वाओ, इट्स सो इजी। नाउ लेट्स कम टू द अदर एक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी स्टार्ट अ न्यू पेज न्यू वर्क, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेट राइट करते हैं, जिस डेट पे आपको वर्ड मिलेगा वो आपने राइट करनी है। देन यू हैव टू बी राइट अ ईयर 2020। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट अ, वी रीड अ लाइन, हम ये लाइन जो है वो रीड करेंगे। राइट द बिगिनिंग साउंड ऑफ पिक्चर एंड कलर इट, डू यू नो व्हाट द बिगिनिंग मीनिंग ऑफ बिगिनिंग साउंड, बिगिनिंग साउंड मीन्स इज स्टार्टिंग साउंड, यानी शुरू का साउंड, ओके। फर्स्ट कैसे, मैं आपको बताती हूँ, मैंगो, मैंगो, कैन यू रिकग्नाइज, कैन यू लिसन टू बी वेरी केयरफुली कि मैंगो में फर्स्ट साउंड जो बिगनिंग साउंड है, जो हम अपनी माउथ से, अपने मुंह से जो बोल रहे हैं वो कौन सा आ रहा है, अभी आपके पहचानने का काम है, ओके। मैंगो, मैंगो, और हमें ये भी याद रहना चाहिए कि मैंगो किससे आता है, तो मैंगो जो है वो फॉर मैंगो, तो इसका जो है वो स्टार्टिंग साउंड है। नाउ लेट्स कम टू द अदर पिक्चर, रेन, 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 डू यू रिमेम्बर व्हाट द बिगनिंग साउंड ऑफ दिस पिक्चर, रेन, ए रेन, ओके। नाउ लेट्स वी हैव अदर पिक्चर, हैट, व्हेन वी गो पिकनिक, तो हम पिकनिक्स में जाते हैं हैट वेयर करते हैं ना, तो ये वो वाली हैट है, ओके। Do you know what the beginning sound of hat? Hat, ha? Can you recognize? क्या आप identify कर पा रहे हैं? मामा पापा को बार बार ये जो है hat repeat करें, then repeat and repeat, तो आपको समझ में आ जाएगा कि what the beginning sound of hat? Ha, hat. Okay, now what we have the other picture? We have other picture is orange. Orange, okay? Wow, it's so easy. ये तो बहुत easy work है. तो हम सबसे पहले हम करेंगे कलर मैंगो पर, इन अ मैंगो, वी डूइंग कलर इन अ मैंगो, एंड मैंगो इज माय फेवरेट फ्रूट, एंड डू यू नो मैंगो इज अ किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स, यानी जो है ये बादशाह होता है फलों का, एंड इट्स अ समर फ्रूट, और आपको पता ही समर में होता है, एंड डू यू नो, ओके, नाउ आई विल आस्क सम वन क्वेश्चन, ये वन सीड फ्रूट होता है, इट्स अ वन सीड फ्रूट और अ मैनी सीड फ्रूट, सब मुझे आंसर करेंगे, मतलब अगर जिसने मुझे आंसर किया तो मैं समझ जाऊंगी कि उसने
फुल वीडियो देखी है. ओके एंड आई एम वेटिंग फॉर दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. और इसके लीफ पे मैं जो हूँ ग्रीन कलर करूँगी. ओके नाउ आई विल डू द रेड कलर इन अ हैट. ओके यू हैव टू बी डू कलर लाइक दिस. और आप लोग तो टीचर से भी अच्छा कलर करते हैं ना. आप लोग टीचर से भी ज्यादा अच्छा कलर करते हैं. इतने अच्छे बच्चे हमारे. ओके नाउ लेट यू हैव टू डू फिनिश योर वर्क लाइक दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैंने आपको क्या करवाया, फिल इन द ब्लैंक्स. द नेक्स्ट वर्क वी हैव डन, हमने कौन सा वर्क किया, राइट द बिगनिंग साउंड एंड कलर इट. मैंने से मैंगो और हैट पे कलर किया है, आपने जो है वो रेन एंड ऑरेंज पे भी कलर करना है. ओके इसी तरह अपना वर्क फिनिश करना है, पिक्चर लेनी है एंड मुझे सेंड इनटू द ग्रुप. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. ओके इट्स अ, ये तो भाई टेस्ट की तरह है. अब देखते हैं कितने बच्चों को लिखना आता है. ओके नाउ व्हेन वी स्टार्ट अ न्यू वर्क तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डेट राइट करते हैं. ओके और लाइन रीड करते हैं, राइट एड टू एड टू एड टू. अब हमें ए से लेके स तक जो है वो एव अखर राइट करनी है. ओके हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम काउंट करेंगे हाउ मेनी लाइंस वी हैव, 1 2 3 4. एंड डू यू रिमेम्बर कि ए कौन सी लाइन से मेक होता है, ए जो है वो सेकंड लाइन से मेक होता है. मेक अखा गो अप कम जंप. वाओ इट्स सो इजी. What come after A? A के बाद आता है B. B is down and down, go up and turn around. A, B. What come after B? After B comes K. K cat. K is curvy. Then what come after K? After K comes D. Down and down, go up, then turn around. A, B, K, D. And do you know what's come after D? D ने D पढ़ेंगे इसको. ओके ए क्या आएगा D के बाद, what come after D? It's A. जो A, जब आप elephant कहते हैं ना elephant, तो उसका जो beginning sound होता है elephant, A, वही हमारा A है. Then what do you remember what come after A? It's come F. What come after F? It's इट्स मेक अखा गो अप कम डाउन डाउन एंड टर्न अ लिटिल. वाओ इट्स सो इजी. एंड डू यू रिमेंबर व्हाट कम आफ्टर ग, ग के बाद आएगा हा. हा इज डाउन डाउन गो अप एंड मेक अ बम्पी. ओके नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट साउंड. व्हाट कम आफ्टर हा, हा आफ्टर कम ई. एंड ई के बाद ई आफ्टर ई कम्स ज. ज आपका लोअर लाइन से बनेगा, नीचे वाली लाइन से बनेगा. अगेन आई रिपीट फ्रॉम द स्टार्ट, ए ब ग ड इ फ ग ह इ ज क ल. ज के बाद क्या आएगा, ज आफ्टर ज कम्स क. ओके एंड आफ्टर क कम्स ल. ल के बाद क्या आएगा, व्हाट कम आफ्टर ल, ल के बाद न आएगा. एंड व्हाट कम आफ्टर एम, आफ्टर कम एम एन. देन व्हाट कम आफ्टर एन इज ओ. ओ के बाद प. ओके नाउ व्हाट कम आफ्टर प, इट्स क्वेक. क्वेक एंड डू यू रिमेम्बर व्हाट कम आफ्टर क्वे, इर. और इर के बाद क्या आता है, इर के बाद आता है. आफ्टर इर कम्स स्नेक स्टार. ओके नाउ अगेन आई रिपीट फ्रॉम द एंड, इट्स अ रिवीजन कि आपका रिवीजन भी है. आप मुझे जब वो एक कॉपी पे, अपनी कॉपीज पर मुझे अलग से नेक्स्ट पेज पे, जरूरी नहीं है कि आप इसी पेज पे लिखिए, इस पेज पे आप प्रैक्टिस कर ले, देन यू हैव टू राइट ऑन अ नेक्स्ट पेज. आप नेक्स्ट पेज पे लिख के मुझे
मेक अ वीडियो पिक्चर्स मुझे दिखा सकते हैं कि आपको लिखना आ रहा है या नहीं आ रहा. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू हैव टू आस्क मी इन अ ग्रुप फ्रीली. ओके अगेन आई रिपीट ए ब ख ड ए फ ग ह इ ज क ल एम एन ओ प क र. ओके यू हैव टू बी मेक वीडियो लाइक दिस. ओके एंड स and make up pictures and videos and send me in a group. If your work is good then I will give you the stars. Stay peace, stay home, Allah Hafiz.